जम्मू कश्मीर की हसीन वादियों के बीच श्रीनगर में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन सैलानियों के स्वागत के लिए एक बार फिर तैयार है। ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है जो 19 हेक्टेयर में फैला है। इस बार गार्डन में ट्यूलिप की 51 किस्मों के 12 लाख फूल मौजूद हैं। ट्यूलिप यूरोप और एशिया में बर्फबारी वाले स्थानों पर उगते हैं, जैसे चीन, जापान और हॉलैंड। इस बार 4 लाख से ज्यादा पौधे हॉलैंड से भी मंगाए गए हैं। ट्यूलिप के लिए 18 से 19 डिग्री सेल्सियस तापमान होना जरूरी है। इस बार श्रीनगर में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई, इसलिए फूल भी ज्यादा खिले हैं। 2008 से शुरू हुआ ये गार्डन अप्रैल के पहले हफ्ते में खुलेगा, जो 30 से 35 दिन तक गुलजार रहेगा। कश्मीर टूरिज्म बोर्ड हर साल ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन करता है, जिसका मकसद राज्य की 1500 करोड़ की टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ फूलों की खेती को बढ़ावा देना है। महज एक महीने चलने वाले ट्यूलिप सीजन के लिए 110 लोग साल भर मेहनत करते हैं। इस बार इन्हें देखने के लिए करीब 3 लाख पर्यटकों के आने की उम्मीद है। Keep watching पर्यावरण पोस्ट।